कम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज कल लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ी देर बाद नहीं दो दिन तीन दिन बाद फिर मेरा ब्लॉग आ गया, ठीक है। तो यार भाई ने काफ़ी ज़्यादा शोर है दोस्तों करने, आप लोगों ने इग्नोर, ठीक है, इग्नोर मारो उसको भाई, जैसे आप मारते हो ना इग्नोर मार दो, ठीक है। उसी बात आ जाए डंडे के ऊपर, तो ये डंडा हमारा निकल गया बाहर वहाँ से। आज मैंने कहा था ए टू जी आपको गाड़ी की एक एक चीज़ का बता दूँ कि क्या क्या करवाया, किस तरह करवाया और कितना क्या खर्चा लगाया। भाई साहब आज आपको ए टू जी हर चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी गाड़ी की, गाड़ी का मूड का। तो ये आ जाते हैं हम अपनी गाड़ी के ऊपर, कवर कर लिया मैंने ऊपर बकाया, ये इसका व्लॉग आपको अलहदा से मिल जाएगा, इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है ये क्या है बकाया। आज गिलू आ जाएगी लेकिन इस व्लॉग के अंदर नहीं लगेंगे, ये मैं आपको एक शॉट डाल दूंगा ये लगा के किस तरह के लगेंगे, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो बकाया ये सीन है इनका, ये यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। और बकाया अगर बात कर लेना ये डंडे की, ये जो निकल गया है डंडा, तो भाई जान ये लगना है इसके अंदर। वैसे यार ये अच्छी चीज़ है लेकिन निकल भी जाए, अगर एक बार मैं डाल दूँ ना यहाँ तक चला जाता तो है ना कि जाता नहीं, फंस जाता है बिल्कुल अंदर ना यहाँ पे जाके, तो ना जब निकालना हो निकाल ले कपड़ा डालते हो मुसीबत होती है। तो यार वैसे अगर आप देख रहे हो ना ये देखो पल्स चेक करो कैसी है, मैं अभी ना कैमरा नहीं वो शो कर पा रहा जो पल्स अभी निकल रहे हैं, क्योंकि ना अभी ना थोड़ा सा ना वो सीन है, लेकिन ये देखो हॉट पल्स निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, चश्म मैंने बहुत कमाल के निकल रहे हैं। वो वाली साइड अभी ना नहीं हुई, मैं इसके लिए ना एक सेरेमिक कोटेड स्प्रे लेके आया था, अभी मैंने वो यूज़ की है, चेक करो पल्स निकले। बकाया अगर बात कर ली जाए तो भाई जान ये एक पूरी माउंटिंग आती है इसके साथ, तो ये माउंटिंग के जरिए मैंने इसको लगाया, अभी ना इसके अंदर गिलू लगा के ना इसको मैंने पक्का पक्का इधर फिक्स करना है। वैसे यार इस तरह लग के ना कहीं जाता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको ना लगाऊँ, लेकिन ना फिर भी यार इसको ना इसी के साथ ना इसी तरह लगा देना ताकि ना बाद में ना ये तंग ना करें मुझे, ठीक है। यहाँ पे बकाया नंबर तो आप लोगों को पता ही है, ARG 15-15 लग गया हुआ है, ठीक है जी। नंबर AMG लग जाता है, क्या ही बात थी, 15-15 नंबर लग गया। और बकाया बात करी जाए ये देखो, तो यहाँ पे ना एक ना बहुत छोटी सी ना शिप लाइट लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है यार एक स्ट्रिप लाइट, ये देखो ये स्ट्रिप लाइट इंडिकेटर के तौर पर भी काम करती है, और काम करती है उसके लिए भी क्या कहते हैं उसको यार DRL के तौर पर भी, हेडलाइट्स के अंदर DRLs नहीं आती यहाँ पे, वैसे इसके टॉप ऑफ द लाइन में DRL आती है, सोच रहा हूँ कि इसकी लाइट्स भी चेंज करवा ली जाए, ठीक है। ये हाई बीम है, ये वाली जो काफ़ी बड़ी सी हाई बीम है, बकाया लो बीम्स हैं, और ये इंडिकेटर का सीन है, ठीक है। इस खुरुक जैसे डंडे को बीच में लगा देते हैं, बड़ी हैवी लुक देता है एक कसम से, लोगोस ब्लैक करवाने की सोच है लेकिन अभी करवाए नहीं है, बात के लीजिए इनकी। तो ये जो फॉग लैंप्स वगैरह का सीन है ना, ये फॉग लैंप्स एक मतलब जो रोशनी एडजस्ट करने दो एक मिनट, ये देखो ये इसके अंदर सेंसर है, सेंसर्स पहले से लगे हुए थे गाड़ी के अंदर भाईजान, और बकाया DRL बाद में लगाएं आफ्टर मार्केट, और ये जो फॉग लैंप है ये LED के अंदर, ये भी आफ्टर मार्केट लगा है, ठीक है। अगर बात कर लीजिए इसकी, तो ये एक लगा हुआ है क्लम्प टाइप है, ठीक है, लोग ज़्यादा लंबा नहीं करना। बकाया रिम्स ब्लैक की सीन चल रहा था लेकिन वो नहीं हो पाया, कह रहे थे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा व्हील्स उतरेंगे, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा देर लाहौर खड़ी रहेगी, तो फिर वो अभी नहीं करवाया। रिम मिलेंगे कोई और ब्लैक कलर के तो वो ले सकते हैं। न्यू टायर्स की गेम आपको बता दी कि न्यू टायर्स की गेम लग गई है, और ब्रेम्बो ब्रेक्स का भी आपको बता दिया, और अब एक और स्पेशल सीन है वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी रुको मुझे ना एक मिनट फ्लैश, यार ये देखो ये जो नीचे है ना ये पूरी लाइट है, और ये बिल्कुल वो अगर गाड़ी के ना मैं नीचे नहीं देख पाओगे, वहाँ पे भी लगी हुई है और वहाँ पे भी लगी है और पीछे वाली साइड पे भी लगी हुई है, ये स्ट्रिप लाइट्स हैं, और ये मल्टी कलर देती हैं रात के टाइम पे, जो आपने थंबनेल में पिक्चर्स देखी है ना, ये रात के टाइम पे ना मल्टी ग्लो मारती है और बहुत बहुत मजा कर आती है। अभी ना इसके नीचे ना डाउन प्लेट लगने वाली है गाड़ी के इंजन की, क्योंकि ना उसके बगैर ना यार ये ना काफ़ी ज़्यादा ना कचरा कचरा नीचे हो जाता है, तो इसके नीचे डाउन प्लेट भी लगने वाली है, ठीक है। बकाया अपनी रानी देरी खड़ी हुई है, और भाई जान इसका ना सीन है, क्लच वगैरह टूटा हुआ है, पेट्रोल बिल्कुल खाली है, मैंने इसकी ना मैंने ना एक फ़िल्टर लगा के ना एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे पहली पिंक 70 के नाम से, यार पता नहीं अभी वो मैंने देखा नहीं उसका क्या फीडबैक है, बट वो भी अभी आपको दिखाता हूँ अंदर वाली गेम। अभी मेरे पास चाबी नहीं होना, मैं आपको अंदर वाली गेम भी दिखा देता। ये देखो ये जो स्ट्रिप जा रही है ये पुलिस लाइट की है, अच्छा ये पुलिस लाइट लेकिन ना फ्लैशिंग लाइट है। वो गेम अगर बात कर लें तो भाई जान वो टिशू बॉक्स और नीचे मैट है जो होता है आराम से, और ये यार बड़ा कमाल की चीज़ है ये वाली, ये फ़ैन इसका, ठीक है। अगर अंदर की बात कर लें ना, अंदर अभी कोई इतनी खास कोई लाइट्स लगी नहीं है, और लेकिन ना इसके ना ये उसके लोग जो अगर आप ये देखो ना यार इसके ना लोगों के ऊपर भी ना ये देखो पल्स इसके ना उसके ऊपर शेयरिंग के ऊपर ना कार्बन फाइबर का ना स्टील का लगा, और स्टील नहीं प्लास्टिक का लगा हुआ है लोगों से, प्लास्टिक का बहुत प्यारा लग रहा है,
अंदर भी लेके मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जिस टाइम इस गाड़ी का फुल रिव्यू आएगा। ठीक है, क्या ये टर्बो के लोगोज मैंने लिए थे यार, बट ना एक मसला है इनके साथ, ये जो लोगोज है ना इनके साथ एक मसला है कि ये रेड है, ये बॉडी कलर के साथ बिल्कुल कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। इसको करवाना था एक ब्लैक और दूसरा ये लगवाने थे इधर, तो अगली बारी के अंदर ये भी सीन सेटमेंट कर लेना। अब चलते हैं पीछे, ये सीन है ये टोयोटा के यार, क्रोम के हैंडल ना पहले गए हैं, हमने कोई बॉडी किट नहीं लगी थी, नहीं लगवाई, हमने टॉप ऑफ द लाइन बनाने की कोशिश नहीं। कुछ लोग अपनी गाड़ी को टॉप ऑफ द लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो भैया ये इसी कंपनी से ही है। ठीक है, हम लगाया इसके अंदर ये है टोयोटा के ऊपर, हमने ये खुद लगाया। ठीक है, बात के लिए जाके पीछे, तो यार आपको पता है कि प्राइवेसी विंडोज़ आती हैं पीछे जापानी गाड़ी के, और ये GR की, GR लोगों की बैजिंग ऐड की हुई है हमने, ये खुद मैच की है। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, एडजस्ट करने दो। तो यानी इसकी ना ये बैक से भी एक फॉग लैंप आता है, लेकिन वो नहीं लगा, लेकिन अभी एक सेंसर है वो लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, बकाया पीछे कोई इतनी खास कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं है यार। ये था हमारा आज का एक ना क्विक राउंड अबाउट रिव्यू। अगर आपको लगा भाई बैटरी लो हो गई है, फ्लैश ऑफ हो गई है, तो यार ये था मेरा आज का रिव्यू। इट नॉट अ रिव्यू बट एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको अपनी गाड़ी का एक राउंड रिव्यू दिया कि मैं उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की। अभी इनकी जो प्राइजेज हैं ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या प्राइजेज हैं, कितनी की मुझे एक एक चीज़ पड़ी है और क्या सीना। अभी लाइट मुझे पता बहुत बुरी आ रही होगी, जगह जगह चेंज हो रही होगी। फ़ोन है 32 है, कोई iPhone 15 Pro Max नहीं है। तो यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई और भी गाड़ी ले रहा है और अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करना चाह रहे कम पैसों के अंदर थोड़ा बहुत लाइट, तो उसके और भी वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल के ऊपर। और एक और चैनल है जिसके जिसको ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसका ना लिंक दे दूंगा, तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, टाटा बाय, सी यू।